नमस्कार, नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में आपका धर्म पर्व ज्योतिष नवग्रह और हर प्रकार के विषयों पर बात करता हूँ। हमारा एक मासिक कार्यक्रम होता है जिसमें मैं सूर्य का जो राशि परिवर्तन हर माह के मध्य में होता है उसके बारे में बातचीत करता रहता हूँ। ये जो मास के मध्य में जो सूर्य का राशि परिवर्तन होता है इसे संक्रांति नाम से भी जाना जाता है। आज मैं आपके साथ 16 दिसंबर 2019 को दोपहर 3:28 पर जो सूर्य का धनु राशि में प्रवेश होने जा रहा है तथा जो 15 जनवरी मध्यरात्रि 2:01 तक चलेगा उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। इन 30 दिनों के समय में कुछ और महत्वपूर्ण ग्रह स्थितियों का निर्माण भी हो रहा है। जैसे 26 दिसंबर को सूर्य ग्रहण का समय होगा, 16 दिसंबर से 8 जनवरी तक जो है 9 जनवरी तक गुरु अस्त है, तारा डूबा है, कोई पर्व त्यौहार नहीं होंगे। शनि 28 दिसंबर से 15 जनवरी तक अस्त है, शुक्र 8 जनवरी तक मकर में, उसके उपरांत कुंभ में रहेंगे। बुध जो है 25 दिसंबर तक वृश्चिक है, उसके बाद धनु में चले जाएंगे। मंगल 25 दिसंबर तक तुला में, उसके बाद वृश्चिक में चले जाएंगे। हम हर लग्न के ऊपर बात करते हैं सूर्य की राशि परिवर्तन का। लग्न पे हम इसलिए एम्फसाइज करते हैं, जोर देते हैं, हमारे जो भी उपाय बताए जाते हैं लग्न आधारित होते हैं, जैसे रत्न का प्रयोग या पूजा पाठ इत्यादि। राशि निर्धारित नहीं हुआ करते क्योंकि पूर्ण लाभ आपको नहीं मिलता, वो लग्न से मिलता है। हर लग्न पे बात करते हैं। अब मैं आपके साथ कर्क लग्न के बारे में बात करने जा रहा हूँ। कर्क लग्न पे सूर्य का जो धनु राशि में प्रवेश है क्या असर होने जा रहा है, आपका कर्क लग्न है या नहीं, इसको जानने समझने के लिए क्या करें, अपना जन्म का समय, तारीख, महीना, वर्ष और स्थान, पूरी सूचना ज्योतिष से जुड़े कार्यक्रम में फीड कर दें। स्क्रीन के ऊपर इस प्रकार का चित्र रहेगा। बीच के खाने में यदि 4 लिखा है तो समझिए आपका कर्क लग्न है। आपकी बर्थ डिटेल्स मालूम नहीं है, अपने तो नाम का अक्षर जैसे कोई है तो समझिए तो भी आपका कर्क लग्न से संबंध है। क्या है ये नाम का अक्षर? ये है ही हु हे हो डा डी डू डे डो, ये नाम के अक्षर है। हर माह हम आपको सूचना देते हैं तो आप चाहे हमारे नवग्रह कार्यक्रम को आप लाइक कर सकते हैं या यूट्यूब चैनल में जाकर इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। कर्क लग्न पे सूर्य का धनु राशि में प्रवेश 6 स्थान में होने जा रहा है। सूर्य कर्क लग्न में धन का स्वामी है तो क्या असर आप पे हो सकते हैं? पहली बात तो ये है कि कोई भी संस्कार विषयक धन से लेके कुछ भी हो, तारा डूबने की वजह से और पूरे 15 दिसंबर से 15 जनवरी कोई भी संस्कार नहीं होंगे, कोई पर्व त्यौहार नहीं होंगे। क्या होगा, सूर्य के 6 स्थान में रोग और विरोधियों पर विजय, पुराने रोगों से छुटकारा, झगड़े मुकदमे में विजय, धर्म और शिक्षा क्षेत्र में बाधाओं के साथ देश विदेश में आपको सफलता मिलेगी और इनकम टैक्स, इकोनॉमिक्स, लॉ और मीडिया का जो फील्ड है विशेष करके इसमें सफलता के योग ज़्यादा है। यदि आप चिकित्सक हैं, खेलों से जुड़े हैं और डिफेंस से जुड़े हैं तो भी लाभ आपको ज़्यादा रहेगा, विदेश में संयोग ज़्यादा बना हुआ है आपका। धन, नए व्यापार, इंश्योरेंस का व्यापार, नए व्यापार से धन आना, इंश्योरेंस से आना, आईटी से जो है आपको पैसा वापस, इनकम टैक्स से रिफंड आता है वो, कोर्ट से ऑर्डर से धन आना, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, गोल्ड और प्रॉपर्टी को सेल करने, शेयर मार्केट सट्टेती पर धन प्राप्ति के योग है। तारा डूबने के बावजूद भी धन आने के योग है परंतु रिस्की होगा, इसलिए धन तो आने दें, नई इन्वेस्टमेंट सावधानी से करिएगा, हो सके तो ना करिएगा 8 जनवरी तक। कैरियर, 25 दिसंबर तक फौज, पुलिस, डिफेंस में और सिविल सर्विसेज में, खेल के क्षेत्रों में, मेडिसिन में, बिजली, एग्रीकल्चर में, प्रॉपर्टी में, हर प्रकार से अच्छा होगा, परंतु डिफिकल्टी के साथ ही जो है नए ऑफर्स आएंगे, परंतु सावधानी के साथ ही आप आगे बढ़िएगा, सक्सेस है परंतु सावधानी के साथ, सभी ग्रह 6 भाव में, सावधानी के साथ सक्सेस है। जल्दबाजी में, हपड़ाट में, स्पेकुलेटिव होकर निर्णय न लें, मन को कूल रख के, खान पीन से दूर रह के तब आप ये निर्णय लें, ईश्वर का ध्यान करके। 25 दिसंबर तक किसी को पैसा ना उधार, सॉरी पूरे 30 दिन और आजकल 8 जनवरी तक धन किसी को उधार ना दें, किसी से को लेन देन का एग्रीमेंट ना करें और पुराने धन को लेने के लिए पीछे पड़े,
सोना लीगल डॉक्यूमेंट्स को लॉकर में रखें और किसी की बैंक गारंटी या जमानत ना दें। परंतु कहीं ना कहीं से धन आता रहेगा और 26 दिसंबर ग्रहण के बाद, क्योंकि सूर्य ग्रहण पड़ रहा है तो धन के ऊपर और परिवार के ऊपर ये ग्रहण पड़ेगा, तो आर्थिक मामलों में विशेष सावधानी रखनी होगी। हार्ट पेशेंट्स को ज़्यादा सावधानी रखनी होगी। पिता की मानसिक स्थिति पर ज़्यादा ध्यान रखना होगा। रिश्ते, फ्रेंड्स गवर्नमेंट के साथ टफ रह सकते हैं सूर्य ग्रहण के कारण, परिवार में टफ रह सकते हैं, पिता के साथ टफ रह सकते हैं, स्पाउस के साथ थोड़े टफ रह सकते हैं। लव के लिए, प्रेम के लिए और स्पाउस के साथ 8 से 15 जनवरी में रिश्ते खराब रह सकते हैं, उस समय में ध्यान रखिएगा। उपाय क्या करने हैं आपको? उपाय, पीला खुराज मूंगा और डायमंड लाइफ टाइम आप इसको लगन में डाल सकते हैं। डायमंड शुक्र की दशा के लिए या विवाह ना हो रहा हो तभी डालना, अन्यथा पीला पुखराज मूंगा और रूबी, पीला पुखराज मूंगा रूबी और मोती, ये 4 रत्न हैं, इनमें से कोई भी आप कभी भी डाल सकते हैं। पीला पुखराज मूंगा रूबी और मोती, मूंगा कार्य क्षेत्र संतान के लिए और रूबी धन के लिए, हार्ट के लिए, मोती ओवरऑल है, पीला पुखराज ओवरऑल है। इस 30 डेज में आपको सूर्य, शिव, बुध और मंगल के उपाय कर ले तो अच्छा रहेगा। सूर्य के लिए सूर्य नमस्कार योग करना, गेहूं का दान देना, भगवान शंकर के मंत्र ओम नमः शिवाय ओम नमः भक्ते रुद्राय। बुध के लिए मूंग के दाल मिश्री का दान करना या गणेश और लक्ष्मी का पूजन करना। मंगल के लिए ओम क्राक्री क्रौसा भुवाय नमः, गुड़ अथवा तिल केसर का दान करना, ये है। अब इस माह में कुछ दिन ऐसे हैं जिनमें आप विशेष करके फ़ायदा उठा सकते हैं, वो तारीखें मैं आपको बता देता हूँ कि किस तारीख से आप क्या कर सकते हैं। विशेष करके 16-17 दिसंबर से लेके और 22 दिसंबर तक सारा समय ठीक है, विशेष आपको कुछ नहीं करना है। 23 से 25 दिसंबर भी ठीक है, थोड़ा मानसिक तनाव रह सकते हैं। 25 से लेके 27 में बहुत बड़े निर्णय धन को लेके, खर्चे को लेके हो सकते हैं, सूर्य ग्रहण भी होगा, सभी निर्णय टाल दीजिएगा। 28-29 दिसंबर को संपत्ति, प्रेम, जीवन साथी, विवाह, जोहरात, वाहन की खरीद के बारे में सोच सकते हैं, परंतु आप कोई भी, क्योंकि तारा डूबा हुआ है तो कोई भी आप इसमें सेरेमनी नहीं कर सकते, निर्णय ले लें सेरेमनी ना करें। 30 जनवरी से लेके और विशेष करके 6 जनवरी तक सारा समय ठीक है, कोई निर्णय आपको नहीं करना है, साधारण रूप से जीवनचर्या को चलने दें। 8 जनवरी को जो है आपका ये तारा उदय होगा तो भाग्य स्माइल करने लगेगा, नौकरी को लेके, संतान को लेके, पिता को लेके, क्रिएटिविटी को लेके, परिवर्तनों को लेके समय अच्छा है, निर्णय ले सकते हैं। उसके उपरांत 9 और 10 में कोई भी आपने धन किसी को देना नहीं है, झगड़े मुकद में से बचना है, कर्ज लेन देन से बचना है, शेयर मार्केट में कोई निर्णय ना लें। उसके बाद 11 से लेके 14 तक तारीख तक का सारा समय शुभ है, बिना निर्णय लिए लाइफ को एज इट इज चलने दें, 15 तारीख तक चलने दें। धन्यवाद, नमस्कार।